हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं ढेर सारा स्टेशनरी कलेक्शन। और आज के इस स्टेशनरी कलेक्शन में तो एक अमेजिंग से स्टेशनरी सेट है, बहुत सारे पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल केस है और अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो सबसे पहले आज मेरे पास क्या है, सबसे पहले आज मेरे पास है ये टॉम्स का अमेजिंग सा वाटर कलर केक पैक, जिसमें हमें मिलते हैं 12 डॉम्स के वाटर कलर केक, जो कि पूरे एक बॉक्स में पैक हैं। और ये है एक ब्लू कलर का और एक ट्रांसपेरेंट लुक का बॉक्स, जिसमें हमें मिल जाती हैं ये 12 शेड के वाटर कलर्स, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन, येलो, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, रेड, ब्लैक, यहाँ ब्लू और यहाँ पे सारे कलर्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ एक ब्रश भी मिलता है। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, ओपन करने के लिए साइड में हमें ये लॉक दिया गया है, जिसको हम ईजिली ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर ये सारे कलर हम एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में एक ब्रश भी हमें मिलता है, जो कि है यहाँ पे सिंथेटिक हेयर ब्रश, काफ़ी अच्छा क्वालिटी ब्रश, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है डॉम्स सिंथेटिक हेयर। इसको हम रख देते हैं वापस और ये सारे कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं। और इसको बंद करना भी देखिए कितना इजी है, पूरा ये वापस से हमारा जो है बॉक्स पैक हो जाता है कुछ इस तरीके से। सो ये डॉम्स का हमारा कलर केक पैक। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एक डोरेमोन की पेंसिल बॉक्स, जो कि है ब्लू कलर की, और ये है सिंपल कलर की पेंसिल बॉक्स, जिसके ऊपर डोरेमोन का पूरा लुक बना हुआ है। यहाँ मिडल में डोरेमोन का फेस बना हुआ है, साइड में पूरा डोरेमोन बना हुआ है और यहाँ उसका फ्रेंड नोबिता है। तो यहाँ पे डोरेमोन एंड नोबिता यहाँ पे बने हुए हैं, जो कि बहुत क्यूट लग रहे हैं। और ये सिंपल क्यूट सोबर सी पेंसिल बॉक्स, जिसमें हमें मिलते हैं दो कंपार्टमेंट, एक तो ये वाला जिसमें आप अपनी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब रख सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे हमें मिल जाता है ये सेकेंड कंपार्टमेंट, जिसमें हमें मिलता है एक और अमेजिंग लुक, जिसमें हम यहाँ पे अपने सारे प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। सो ओवरऑल दो तरीके से खुलने वाली ये हमारी पेंसिल बॉक्स, जिसमें आप अपने सारे इजी प्रोडक्ट्स रख पाएंगे, है ना अमेजिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास एक और पेंसिल बॉक्स, जो कि है ये पिंक कलर की, जो कि एक प्यारी सी पेट्स लुक के यहाँ पे पेंसिल बॉक्स है, जिसके ऊपर बहुत सारे पेट्स बने हुए हैं। बैक साइड से ये पूरी पिंक कलर की पेंसिल बॉक्स है, जिसके अंदर यहाँ पे क्या क्या आइटम्स है वो भी आपको दिख जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लुक में है। इसी के साथ फ्रंट लुक पे हमें मिल जाते हैं फोर यहाँ पे पिक्चर्स, जो कि है डॉग, रैबिट, कैट और यहाँ पे बहुत सारा प्यारा सा पेट का ये ग्रुप जो कि यहाँ पे बना हुआ है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही सबसे पहला कंपार्टमेंट मिलता है ये वाला, जिसमें हमें मिल जाती है पेंसिल्स अटैच करने के लिए पेंसिल अटैचर, और साथ ही में यहाँ पे इरेजर एंड शार्पनर रखने के लिए छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे मिलता है एक बड़ा कंपार्टमेंट, इसमें आप अपने क्रियॉन्स रख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे मिलता है एक और कंपार्टमेंट, जिसमें आपको मिल जाती है बहुत सारी स्पेस, इसमें भी आप अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। सो ओवरऑल दो कंपार्टमेंट्स हमें यहाँ मिल जाती हैं ये हमारा अमेजिंग से पेंसिल बॉक्स में, और इसमें हम रख पाएंगे अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स। और इसको हम वापस कर देते हैं बंद। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे एक ये एक सुंदर सा आपका जो है रिमोट, जो कि आपका वीडियो गेम रिमोट है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है गेम जॉयस्टिक, तो इससे जो है हम यहाँ पे गेम खेलेंगे, बट ये गेम खेलने के लिए नहीं है, ये है एक शार्पनर, जिसमें हमें मिल जाता है ये शार्पनर, ये पूरा ग्रीन कलर का एक शार्पनर है, जिसमें यहाँ से आप अपनी पेंसिल शार्पन कर सकते हैं। और पेंसिल शार्पन होने के बाद सारा डस्ट आपका यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, जिसे ईजिली रिमूव करा जा सकता है। सो ये एक पेंसिल शार्पनर, जो कि है पूरा यहाँ पर वीडियो गेम के जॉयस्टिक के जो है तरीके में। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे एक और शार्पनर, जो कि है अप्सरा का टीडी अप शार्पनर, और ये है एक शार्पनर और इरेजर कलेक्शन, जिसमें एक तरफ से मिलता है शार्पनर और एक तरफ से मिलता है इरेजर। सो यहाँ पे मिल जाती है हमें शार्पनर, जिसमें हम यहाँ पे अपनी पेंसिल शार्पन कर सकते हैं, और ये सारा एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर है, जिसमें आपका सारा डस्ट यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। इस बॉक्स को ओपन करते ही कुछ इस तरीके से यहाँ से आप अपना डस्ट निकाल सकते हो और इसे वापस बंद कर सकते हैं। दूसरी तरफ से हमें मिल जाता है यहाँ इरेजर, जिसको ओपन करके यहाँ पे ये देखिए ये ग्रीन कलर की इरेजर हमें मिलती है, जिससे हम इरेज करने के बाद इसको वापस बंद करके रख सकते हैं। सो ये एक इरेजर और शार्पनर का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट मेरे पास है एक पेंसिल बॉक्स, जो कि है यहाँ पे BTS के कलर कॉम्बिनेशन की एक पेंसिल बॉक्स, और ये है पर्पल कलर की पेंसिल बॉक्स, जिसके ऊपर BTS की पूरी टीम बनी हुई है। यहाँ पे ये पूरी BTS टीम बनी हुई है, BTS आर्मी, और यहाँ पे एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स बने हुए हैं, और ये पूरा पर्पल कलर की पेंसिल बॉक्स है, जिसे हम बैक साइड पे देखेंगे
तो बैक साइड पे भी हमें सिमिलर पिक्चर्स मिल रही है, सो इसमें भी हम रख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही कुछ इस तरीके का लुक मिलता है जो कि है वाइट एंड पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन में। सो इसमें भी आप अपने बहुत सारे इरेजर, शार्पनर, कलेक्शन, बाकी सब कुछ इसमें अटैच करके रख सकते हैं। सो यहाँ पर बहुत सारी स्पेस है। फ्रंट लुक पर चलते हैं। फ्रंट लुक पर मिलता है यहाँ पर हमें शार्पनर, जिसको हम ओपन कर सकते हैं ये बटन प्रेस करके। तो ये बटन प्रेस करके ये शार्पनर ओपन हो जाता है और इसका डस्ट हो जाता है यहाँ कलेक्ट, जिसमें से आप यहाँ से अपना पूरा डस्ट क्लीन अप कर सकते हैं एंड इसे कर सकते हैं बंद। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक छोटू सा कंपार्टमेंट है जो कि आपके लिए है और इसमें आप अपने इरेजर और शार्पनर रख सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपकी एक इरेजर और एक शार्पनर ईजिली आ जाएगा और इसको हम कर सकते हैं वापस बंद। दूसरा यहाँ पे है ये एक मेन प्रोडक्ट जिसमें हमें मिल जाता है पेंसिल्स अटैच करने के लिए अटैचर। इसमें आप अपनी 1, 2, 3, 4 पेंसिल्स ईजिली अटैच कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें आपके कलर्स, वैक्स क्रियॉन, ऑयल पेस्टल या फिर आपके इरेजर एंड शार्पनर, जो भी आपको स्टेशनरी में रखना है वो आप रख सकते हो। और ये पूरे बॉक्स में आपको मिल जाती है बहुत सारी स्पेस, है ना अमेजिंग। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है एक ये पेन पैड जो कि यहाँ पे है बास्केटबॉल के लुक में। तो ये है बास्केटबॉल के पूरी सीरीज वाला पेन जिसमें हमें मिल जाते हैं ये 12 पेन, जिसमें हमें 12 डिफरेंट यहाँ पे पेन मिल रहे हैं डिफरेंट वाले लुक में। और ये सारे के सारे बास्केटबॉल के थीम पे बने हुए हैं। इसके पूरे पैक के ऊपर यहाँ पे बास्केटबॉल प्लेयर्स बने हुए हैं और यहाँ पे हर प्लेयर पे 3-3 पेन हमें मिलते हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, देखिए कितने अमेजिंग पेन यहाँ पे, 3 ब्लू कलर, 3 रेड कलर, 3 येलो कलर और 3 यहाँ पे पर्पल कलर। और हर शेड पे यहाँ पे बने हुए हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स। ये देखिए यहाँ पे रेड वाले पे बना हुआ है एक अलग डिफरेंट कैरेक्टर, येलो पे है डिफरेंट कैरेक्टर और पर्पल पे है डिफरेंट कैरेक्टर। ये पूरा एक पेन का पैक है जिसमें हमें ये 12 पेन मिल रहे हैं और ये सारे जेल पेन हैं। इसमें से एक पेन अगर हम निकाल के देखें तो ये देखिए ये है रेड कलर का लुक जिसमें हमें मिल जाता है ये बास्केटबॉल लिखा हुआ और ये कैरेक्टर बना हुआ। और इस पूरे कैप के ऊपर बने हुए हैं ये बनी जैसे हेड, जिसको ओपन करते ही हमें मिल जाते हैं ये पेन। और ये पेन को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो कि है ब्लू कलर के पेन और बहुत ही अच्छे स्मूथ तरीके से ये चल रहे हैं। एंड ये सारे हैं जेल पेन। तो ये जेल पेन का पूरा पैक जो कि हमें मिलता है यहाँ पे 12 पेन में और ये सब का सब बहुत अमेजिंग लुक में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास ये डॉम्स का एक बाई कलर पेंसिल पैक जो कि मिलता है मार्केट में 60 रुपीज़ का। और इसमें मिल जाते हैं हमें डॉम्स के कलर पेंसिल पैक और ये कलर पेंसिल पैक मिलते हैं हमें 12 शेड के। चलिए इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले ये पैक बहुत ही पतला और स्मूथ है जिसके ऊपर यहाँ पे एक पिकॉक की पिक्चर बनी हुई है जो कि पेंसिल कलर से बनाई गई है। इसको हम कर लेते हैं ओपन। ओपन करते ही हमें मिलते हैं ये 6 पेंसिल्स जो कि यहाँ पे है 6 अमेजिंग बाई कलर पेंसिल्स, यानी कि एक पेंसिल में 2 अलग अलग शेड्स, एक पेंसिल में 2 अलग अलग कलर। इसमें रेड एंड ब्लू, इसमें ग्रीन एंड येलो, इसमें क्रीम एंड स्काई ब्लू, यहाँ पे ऑरेंज एंड ग्रीन, ब्लैक एंड ब्राउन, यहाँ पे पिंक एंड पर्पल। तो ये 12 शेड्स वाले कलर्स जो कि हमें 6 पेंसिल में मिल जाते हैं और हर पेंसिल में 2-2 कलर्स हैं और ये सारे अमेजिंग डॉम्स के कलर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डोम्स का ही एक और प्रोडक्ट जो कि है यहाँ पे 12 शेड्स वाला वैक्स क्रियॉन पैक और ये मिलता है 10 रुपी में। तो ये डोम्स के यहाँ पे 10 रुपी वाले 12 शेड्स वाले वैक्स क्रियॉन और देखिए इसमें सारे कलर्स हमें मिल जाते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं। सो ये सारे 12 कलर्स हमें इसमें मिल रहे हैं और ये देखिए ये सारे कलर्स कितने अमेजिंगली यहाँ पे हमें यूज़ करने के लिए मिल जाएंगे। पहले हम सारे कलर्स निकाल लेते हैं और ये सारे कलर्स यहाँ पे हमें मिलता है ये पर्पल कलर, स्काई ब्लू कलर, यहाँ पे ब्राउन, रेड, पिंक, ग्रीन, येलो एंड ब्लैक, सब कलर हमें यहाँ मिल रहे हैं। सो ये डॉम्स के यहाँ पे पूरे शेड्स कलर। इसके बाद हमारे पास है ये एक अमेजिंग सा पेंसिल पाउच जो कि है अगेन BTS के लुक में। तो ये भी इसके ऊपर भी पूरी BTS की आर्मी बनी हुई है और ये है मल्टी कलर वाला यहाँ पे, क्योंकि इसके बैक साइड पे हमें मिलता है येलो, ग्रीन, पिंक, लाइट पिंक, सारे तरीके के कलर। और फ्रंट लुक में हमें मिलती है यहाँ पे एक और अमेजिंग BTS की टीम और यहाँ पे हमें मिल जाती है 2-2 पॉकेट्स। एक तो है ये मेन पॉकेट जिसको ओपन करते ही हमें मिलता है यहाँ पे ढेर सारा स्पेस, जिसमें हमें मिल जाता है यहाँ पे बहुत सारा स्पेस अपने प्रोडक्ट्स रखने के लिए। तो इसमें आप अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स रख सकते हो, जैसे अभी हमने अपने कलर पेंसिल्स खोले हैं हम उसको भी इसमें रख सकते हैं, अपने वैक्स क्रियॉन भी इसमें रख सकते हैं। और देखिए अभी भी कितनी सारी स्पेस इसके अंदर है, कितना सब सामान आ जाएगा और इसको बंद कर सकते हैं। एक है हमारे पास ये फ्रंट लुक जिसमें हम यहाँ पे एक और जिप मिलती है और
इसमें भी मिल जाता है हमें काफ़ी सारा स्पेस, तो इसमें आप अपने इरेजर, पेंसिल, शार्पनर सब रख सकते हैं। सो ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग और बहुत ज़्यादा स्पेस वाला है ये पेंसिल पाउच। एक और पेंसिल पाउच मेरे पास है जो कि है ये डोरेमोन के लुक में, और ये पूरा ब्लू कलर का है। सो ये ब्लू कलर का डोरेमोन वाला पेंसिल पाउच जिसको बैक साइड में बिल्कुल प्लेन लुक में मिला हुआ है, और यहाँ पे फ्रंट में हमें मिलती है डोरेमोन की दो दो पिक्चर्स, एक ये और एक ये। तो ये दोनों ही डोरेमोन के पिक्चर्स यहाँ पे 3D लुक में है जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रही है। और यहाँ पे ये पूरा अमेजिंग ब्लू कलर का पाउच इसमें हमें मिलती है, एक जिप जो कि है ब्लैक एंड ग्रे कलर के लुक में, और इसमें हमें मिल जाती है दो दो स्लाइडर्स। तो एक स्लाइडर से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही हमें मिलता है यहाँ पे दो कंपार्टमेंट, जिसमें एक साइड मिल जाता है ये एक फ्लिपर जिसमें आप अपने स्केल्स, पेंसिल, इरेजर यहाँ पे अटैच करके रख सकते हो, और दूसरी साइड मिलता है ये पेंसिल अटैचर जिसमें हम अपनी पेंसिल या पेन अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे दोनों ही फ्लिपर्स के नीचे हमें मिल जाती है बहुत सारी स्पेस जिसमें हम अपने जो है कलर क्रियॉन के पैक्स यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कलर का पैक रख सकते हैं, साथ ही साथ इसमें हम अपने क्रियॉन का पैक भी इसमें रख सकते हैं, और इसको बंद करना फिर भी बहुत ईजी हो जाएगा। और यहाँ नीचे हम अपने शार्पनर और पेंसिल्स रख सकते हैं, और इसको देखिए मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। सो ये कितना इजीली बंद भी हो गया है ना अमेजिंग। तो इसमें बहुत सारा स्पेस है जिसमें आप अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स रख सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये एक पेंसिल बॉक्स जो कि है यहाँ पे एक अमेजिंग से यूनिकॉर्न लुक में, और ये पूरी पर्पल कलर की यूनिकॉर्न लुक की पेंसिल बॉक्स है जिसके ऊपर मैजिक वर्ल्ड भी लिखा हुआ है। और यहाँ बनी हुई है ये एक प्यारी सी यूनिकॉर्न जो कि अपने सारे स्टार्स कलेक्ट कर रही है इस जार में। इस पूरी पेंसिल बॉक्स में हमें मिलती है एक कॉम्ब और मिरर भी। जी हाँ, सबसे पहले ये बैक साइड का लुक आप देखिए, इसके ऊपर बना हुआ है मैजिक वर्ल्ड और यहाँ पे एक यूनिकॉर्न स्टार लेके बैठी हुई है। और ये है फ्रंट लुक जिसमें हमें ये एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है, इसको ओपन करते ही यहाँ पे हमें मिल जाता है एक यहाँ पे ये हमारा कॉम जो कि है पर्पल कलर का, और ये हमारा मिरर जो कि यहाँ पे वाइट यहाँ पे पूरा लुक है जिसमें हमें देखिए ये कॉम भी दिख रही है। तो आप अपने आप को भी देख सकते हैं और ये कॉम भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको वापस बंद कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें मिलते हैं हमें ये इस तरीके के एक दो कंपार्टमेंट जिसमें फर्स्ट कंपार्टमेंट है ये वाला और इसके नीचे है ये वाइट कलर का सिंपल कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे आप अपने बाकी के प्रोडक्ट्स रख सकते हो, और यहाँ पे आप अपने यूज़फुल मोस्ट यूज़फुल प्रोडक्ट्स रख सकते हो जिसके ऊपर यहाँ पे हमें मिलता है एक और यूनिकॉर्न का पिक्चर और यहाँ टेबल्स भी लिखे हुए। सो ये पूरा अमेजिंग सा एक और कॉम के साथ वाला पेंसिल बॉक्स। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये एक अमेजिंग से हाइलाइटर पैक जिसमें हमें मिलते हैं ये 6 हाइलाइटर जो कि है 3 क्यूट सिस्टर के थीम पे बने हुए हाइलाइटर जिसमें हमें पूरे 6 कलर के हाइलाइटर्स मिल रहे हैं। इसको पैक को ओपन करते ही हमें मिल जाते हैं यहाँ पे ये कुछ ऐसे हाइलाइटर्स जो कि है यहाँ पे अमेजिंग अमेजिंग लुक वाले। चलिए सारे हाइलाइटर्स को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। सो ये सारे हाइलाइटर हमारे आ गए हैं बाहर, और ये सारे हाइलाइटर्स देखिए, ये है एक येलो कलर का हाइलाइटर जिसके ऊपर यहाँ पे बना हुआ है एक प्यारा सा टेडी बियर जो कि ऐसे बैठा है जैसे ट्री पकड़ के बैठा है। तो ये एक बियर जैसे लुक वाला हाइलाइटर, और ये मिलता है हमें येलो कलर में, और यहाँ पे ये देखिए ये येलोइश कलर का हाइलाइटर। इसके बाद यहाँ पे है सिमिलर लुक में ये हमारा क्रीम कलर का हाइलाइटर जिसमें हमें मिल जाता है ये थोड़ा सा पीच टाइप कलर का हाइलाइटर जो कि ऑरेंजेस एंड पीच कलर में है। नेक्स्ट यहाँ पे है ये ग्रीन कलर, और ये थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स भी हमें दिख रहे हैं। चलो पहले कैरेक्टर्स देखते हैं। तो ये दोनों थे बियर लुक के कैरेक्टर, और ये दोनों हैं हमारे एक और अमेजिंग डिफरेंट कैरेक्टर, और ये भी डिफरेंट कैरेक्टर। तो ये 3 सिस्टर लुक कैरेक्टर है। तो ये हमारा सेकंड कैरेक्टर जिसमें हमें पर्पल और ग्रीन कलर का लुक मिल रहा है, और ये देखिए ये भी बहुत अमेजिंग लुक में हमें कैरेक्टर्स मिल रहा है जिसमें हमें मिलता है ये ग्रीन कलर का, और ये नेक्स्ट हमारा ये पर्पल कलर का हाइलाइटर देखिए है ना अमेजिंग लुक में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये दो कैरेक्टर जो कि है पिंकिश और ये थोड़ा सा हमारा नेवी ग्रीन कलर, और इसको भी हम चला के देखते हैं। ये देखिए ये ब्लूइश और नेवी ग्रीनिश टाइप कलर, और ये है हमारा पिंक कलर। तो ये टोटल ओवरऑल 6 कलर्स वाले हमें यहाँ पे मिलते हैं ये हाइलाइटर्स, है ना अमेजिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है
ये एक ओपन शार्पनर जो कि है यहाँ पे एक डक की शेप में जो कि है ब्लू कलर का, और ये है एक ओपन शार्पनर। इधर से आप अपनी पेंसिल शार्पन करेंगे और यहाँ पे हाथों हाथ आपका जो भी डस्ट होगा वो क्लीन अप हो जाएगा। सो ये एक ब्लू कलर का शार्पनर। एक और मेरे पास है शार्पनर जो कि है शार्पनर और इरेजर कलेक्शन। जी हाँ, ये है एक शार्पनर और इरेजर कलेक्शन जो कि दिखता है एकदम एरोप्लेन के लुक में। तो इसमें मुझे मिल जाता है शार्पनर भी और इरेजर भी, और इसको तो हम अपनी टेबल पर भी रख सकते हैं और इसके साथ खेल भी सकते हैं। सो ये स्टेशनरी एंड टॉय दोनों का कॉम्बिनेशन। सो इस साइड से हमें मिलता है एक शार्पनर जिसमें आप अपनी पेंसिल को शार्पन कर सकते हैं और सारा डस्ट आपका कलेक्ट हो जाएगा इस पोर्शन में, जिसे इजीली ओपन करके क्लीन किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलती है इरेजर जो कि है ये बैक साइड के लुक में। इसको हटाते ही मिल जाती है ये इरेजर जो कि काफ़ी बड़ी है, जिससे आप यहाँ पे इरेज करके वापस इसको बंद कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसको वापस हम इंसर्ट करके रख सकते हैं। सो ये एक हेलीकॉप्टर प्लेन लुक जो कि है शार्पनर और इरेजर दोनों का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे यूनिकॉर्न का ये एक डायरी विद पेन का पैक, जिसमें हमें मिलती है यूनिकॉर्न की डायरी और एक छोटा सा पेन जिसको आप यहाँ पे यूज़ करके ये डायरी में वर्क कर सकते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही यहाँ मिलता है ये यूनिकॉर्न का डायरी और ये एक पेन। सो ये पेन इसके साथ अटैच है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये है एक पिंक कलर का पेन, इसको आप अपने बैग में या फिर पेंसिल पाउच में भी अटैच कर सकते हो। इसे ओपन करते ही ये मिलता है कुछ इस तरीके से, जिसमें हम ये ब्लू कलर के पेन से वर्क कर सकते हैं और इसको वापस बंद कर लेते हैं। सो ये पिंक कलर का यूनिकॉर्न पेन। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये एक बहुत ही अमेजिंग पेन के साथ ये एक हमारी डायरी जो कि है छोटी सी यूनिकॉर्न डायरी, और ये पूरी पिंक कलर की डायरी है जिसके ऊपर बनी हुई है यूनिकॉर्न की अमेजिंग सी पिक्चर। और ये देखिए कितनी कलरफुल यूनिकॉर्न है। इसको ओपन करते ही मिल जाता है हमें ये डायरी, जिसमें मिलते हैं बहुत सारे पेजेस, और ये देखिए कितने सारे पेजेस इसमें मिल जाते हैं। और इसमें हमें मिलती है यहाँ पे अमेजिंग अमेजिंग लाइन्स भी, जिसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी हमें लिखना है। एंड इसमें हमें देखिए कितने सारे पेजेस मिल रहे हैं। सो ये बहुत अमेजिंग पूरी डायरी। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा पेंसिल बॉक्स जो कि है स्पेस ट्रैवल थीम का ब्लू कलर का पेंसिल बॉक्स, और ये तो भाई मल्टी फंक्शन पेंसिल बॉक्स है। चलिए इसमें क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो ये पूरा ब्लू कलर का लुक है, जिसमें बैक साइड पे हमें मिलता है नेम एंड क्लास मेंशन करने के लिए स्पेस, और इसमें मिल जाती है ये एक बहुत अमेजिंग स्पेस जिसमें हम अपना यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। आप इसमें अपने पेंसिल इरेजर एंड शार्पनर रख सकते हैं। और फ्रंट लुक पे चले तो यहाँ मिलता है एक इनबिल्ट शार्पनर जो कि बटन को प्रेस करते ही ओपन हो जाता है, और इसमें हमें मिल जाता है ये एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर। सो सारा कलेक्शन जो डस्ट का है वो यहाँ हो जाएगा और इसको आप वापस बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसको वापस से प्रेस करिए और ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मिलता है एक डायरेक्शन नेविगेटर, जिसमें आप अपने डायरेक्शंस देख सकते हैं। फ्रंट लुक को ओपन करते ही यहाँ मिल जाता है हमें क्लास स्केड्यूलर, जिसमें हम अपने क्लास जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे मिलता है हमें अपनी पेंसिल्स अटैच करने का स्पेस, जिसमें हम 1 2 3 4 5 पेंसिल्स अटैच कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट बटन प्रेस करते ही ये पूरा बॉक्स जो है इतना बड़ा हो जाएगा। जस्ट लुक एट दिस, कितना अमेजिंग लग रहा है। सेकंड बटन प्रेस करते ही यहाँ पे हमारा ये पोर्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें यहाँ दिखता है कि कौन सा डिग्री, कितना डिग्री और कितना यहाँ पे जो है इसका मेंशन है, डेनोमिनेट्स हो जाता है। थर्ड बटन प्रेस करते ही यहाँ पे मिलता है एक और कंपार्टमेंट, जिसमें आप जो है अपने इरेजर पेंसिल शार्पनर रख सकते हैं। सो ये पूरा बॉक्स कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना अमेजिंग। इसको हम वापस ईजिली बंद कर सकते हैं और इसको यहाँ पर बंद करके रख सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास बचा है ये एक बहुत ही क्यूट सा स्टेशनरी का सेट जो कि है येलो कलर का, और ये है यूनिकॉर्न की थीम पे बना हुआ ये पूरा येलो कलर का स्टेशनरी सेट है, जिसके ऊपर यूनिकॉर्न की पिक्चर बनी हुई है। सो ये है बैक साइड पे यूनिकॉर्न का वाइट कलर यूनिकॉर्न, जिसने बहुत अमेजिंग अमेजिंग इसके हेयर्स कलर्ड है। और यहाँ पे मिलते हैं दो यूनिकॉर्न, जिसमें से एक यूनिकॉर्न घास खा रहा है। सो ऐसे ही पूरा पैक हमें मिल जाता है इसी थीम पे, और इसी थीम के सारे प्रोडक्ट्स हमें इसके ऊपर मिलते हैं। और ये पैक हो गया है हमारा खाली। तो सबसे पहले हमें इसमें मिल रहा है ये एक स्केल जो कि है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल, और इसके ऊपर
पर बनी हुई है सेम यूनिकॉर्न्स की पिक्चर। ये जो बैक साइड पे थी और ये जो फ्रंट साइड पे थी, तो ये एक यूनिकॉर्न की पिक्चर्स वाला स्केल 15 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिलती है ये दो पेंसिल्स, जो कि हैं यहाँ पे यूनिकॉर्न की ही थीम वाली दो अमेजिंग पेंसिल्स, और इसके ऊपर भी बनी हुई है यूनिकॉर्न की बहुत सारी पिक्चर्स। नेक्स्ट यहाँ पे मिलता है ये एक येलो कलर का शार्पनर, जिसमें आप अपनी पेंसिल शार्पन कर सकते हैं ईजिली। सो ये एक क्यूट सा शार्पनर। नेक्स्ट है यहाँ पे ये एक पेंसिल इरेजर, जो कि है वाइट कलर की इरेजर, जिसके ऊपर यहाँ पे भी बनी हुई है यूनिकॉर्न की अमेजिंग से पिक्चर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें हमें मिलती है ये एक मैकेनिकल पेंसिल, जो कि है यहाँ पे पेन के लुक में, और इसके ऊपर भी है यूनिकॉर्न की अमेजिंग पिक्चर, और इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगी ये पेंसिल, जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और वापस इसको बंद कर सकते हैं। इसके साथ मिलता है ये एक रीफिलर का पैक, जिसपे यहाँ पे मिलती है हमें यूनिकॉर्न की पिक्चर। इसको ओपन करते ही हमें मिल जाते हैं इसमें बहुत सारे रीफिलर्स, जिसको आप यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं और इसको रीफिल कर सकते हैं अपनी पेंसिल को। सो है ना अमेजिंग। सो कैसे लगी गाइज आज के ये सारे प्रोडक्ट्स? आपको अच्छे लगे हैं तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर देना। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।